सोहिंगोनिया गौशाला में 13 टीन शेड बाड़ों का करेंगे शिलान्यास। 5 करोड़ की लागत से होगा टीन शेड बाड़ों का निर्माण। मेयर विष्णु लाटा के प्रयासों से बीते दिनों यहां हुई काफी बड़े काम। मेयर ने की सभी गौ भक्तों से आज कार्यक्रम में आने की अपील। हमारे सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक बड़ी सौगात यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए बड़ी सौगात है, खासकर इसलिए क्योंकि जब से कांग्रेस की सरकार बनी है राजस्थान में अशोक गहलोत की, और जब से जयपुर नगर निगम में परिवर्तन हुआ, बीजेपी का बोर्ड होने के बाद विष्णु लाटा के नेतृत्व में कांग्रेस का बोर्ड बना, तब से हिंगोनिया गौशाला के लिए चांदनी बहुत सारे काम हुए हैं। करीब 15 से 20 करोड़ रुपए नगर निगम ने बीते एक साल में, करीब एक साल में नगर निगम ने हिंगोनिया में खर्च किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से हिंगोनिया से दुखद खबरें सामने आती रही हैं। कभी बारिश के बाद बड़ी तादाद में गायों की मौत हुई, एक बार ऐसा हुआ जब चारा नहीं था क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ उस समय गायों की मौत हुई, कभी बीमारी के कारण गाय वहां पर तकलीफ में रही। लेकिन बीते कुछ समय से हिंगोनिया की व्यवस्थाएं भी काफी ठीक है, सरकार ने, नगर निगम ने जितनी मांग सरकार से की है उतना सरकार ने अनुदान दिया है हिंगोनिया के लिए, और उसी क्रम में आज ये 13 टीन शेड बाड़े हैं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आने वाला मौसम सर्दी का है। हम देखते जो पशुधन होता है वो सर्दी में बहुत तंग होता है, सर्दी से बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। सर्दी के अलावा जब गर्मी भी आएगी और बरसात भी आएगी, यानी हर मौसम में जब 3 शेड बाड़े होंगे तो उसके नीचे रहने वाला जो पशुधन है, गाय है, वो सुरक्षित रह सकेंगी, मुफीद रह सकेंगी, और तमाम जो परेशानी अब तक आती रही है उनसे निजात मिलेगी। तो 2 चरणों में इनका निर्माण होगा, करीब 10 करोड़ रुपए से। उनमें से पहले चरण में जो 13 टीन शेड बाड़े बनने हैं उनका शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोपहर 2 बजे करेंगे। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल विष्णु लाटा मिलने गए थे अशोक गहलोत से, तो विष्णु लाटा ने नॉर्मली अशोक गहलोत को, सीएम को जानकारी दी कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं हिंगोनिया में, तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ठीक है, तो मैं आज यानी कि दीपावली के दिन में आता हूँ हिंगोनिया गौशाला और इसका शिलान्यास कर देता हूँ। तो मेयर ने कहा कि सर इतनी जल्दी अगर आप कार्यक्रम तय करोगे तो लोग कैसे आ पाएंगे, बड़ी दिक्कत आएगी। तो अशोक गहलोत ने यहाँ तक कहा मेयर को कि अगर 10 लोग भी उस कार्यक्रम में आ गए तब भी मैं शिलान्यास करूंगा, क्योंकि दीपावली का शुभ दिन है, गायों से जुड़ा इतना पुण्य का कार्य है। और उसके बाद तुरंत ही, कल हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी दिन में, तुरंत ही सीएम का कार्यक्रम तय हुआ, नगर निगम के अधिकारी हैं, कमिश्नर वीपी सिंह, मेयर विष्णु लाटा जी। बिल्कुल शिवेंद्र, जिस तरीके की अभी आपने बात बताई कि तमाम समस्याएं हैं और उन समस्याओं को देखते हुए एक बड़ी राहत है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।